आफताब के फ्लैट में पुलिस ने बेंजीन टेस्ट किया है। फर्श पर खून के सैंपल की जांच के लिए बेंजीन टेस्ट किया गया है तो आफताब के फ्लैट में, क्योंकि शक इस बात का है कि केमिकल का इस्तेमाल किया गया, शक इस बात का है कि एक्स्ट्रा जो पानी का बिल आया, पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया ताकि जो खून के छींटे हैं, जो दाग है, उसे धोया जा सके, उसे धुला गया है आफताब आरोपी की तरफ से। अब खबर यह है कि पुलिस ने बेंजीन टेस्ट कराया था फर्श पर खून के सैंपल की जांच के लिए, यह बेंजीन टेस्ट करवाया गया। अब आपको ये बताते हैं सरल तरीके से, सरल भाषा में, कि आखिर ये बेंजीन टेस्ट जो होता है वो होता क्या है, क्यों करवाया जाता है और क्यों काफी अहम साबित हो रहा है श्रद्धा हत्याकांड मामले में। तो बेंजीन टेस्ट होता क्या है इसको आप पहले समझ लीजिए। खून के धब्बों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर वहां पर साफ कर दिया गया है, कोई स्पॉट भी नहीं है, सबूत निकाल दिए गए, लेकिन तब भी ये काफी मददगार साबित होता है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्राइम सीन पर बेंजीन नाम का केमिकल डाला जाता है जो पुलिस की तरफ से छतरपुर में जो घर है आफताब का वहां पर किया गया। जहां भी खून गिरा होता है वो जगह लाल हो जाती है। ये बेंजीन टेस्ट का रिजल्ट है जो होता है, इसलिए काफी अहम होता है। सफाई के बाद भी खून के धब्बे दिख जाते हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि पानी से साफ किया गया, केमिकल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी बेंजीन टेस्ट इसका पता लगा लेता है। और क्या जानकारी मिल रही इसको लेकर, यह भी आपको बता दे, शातिर आफताब बेंजीन टेस्ट भी नाकाम। कितना शातिर है आफताब, अब इसको समझिए। आफताब ने किसी केमिकल से कमरे की सफाई की तो वहां पर कितना शातिर निकला आफताब आरोपी कि जो बेंजीन टेस्ट है क्या वो भी नाकाम साबित हो रहा है। बेंजीन टेस्ट में भी कत्ल की जगह धब्बे नहीं मिले हैं, जैसा कि पुनीत बता रहे थे कि ना सिर्फ पानी बल्कि केमिकल तक का इस्तेमाल किया गया और इसमें शव के टुकड़े रखे गए। उस फ्रिज में भी धब्बे नहीं मिले हैं, कोई स्पॉट बेंजीन टेस्ट में नहीं मिला है। अपने बिस्तर पर कहीं पर कोई सबूत नहीं छोड़ा, क्योंकि पुलिस के लिए अब यही सबूत हासिल करना एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिर्फ किचन में सिलेंडर वाली जगह खून के धब्बे दिखे हैं जो कि पुलिस के लिए अहम साबित हो सकते हैं। एटलीस्ट कोई क्लू कुछ वहां पर बरामद हुआ है। लेकिन आप समझिए कि जो आफताब है वो कितना आरोपी, कितना शातिर निकला कि उसने केमिकल का इस्तेमाल करके वहां से तमाम स्पॉट्स को हटा दिया और बेंजीन टेस्ट भी उस पर काम नहीं करता हुआ नजर आया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।